आज हम बात करेंगे आपके यहाँ कैलकुलेशन के बारे में कि एक्सेल में हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम इससे पहले की क्लासेस में हमने आपके साथ बातचीत किया था कि इस तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं किसी डेटा में। हम बात करेंगे कि हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं किसी डेटा में। ओके सर, तो कैलकुलेशंस के लिए हम एक बार एक चीज जान लीजिए कि हम यहाँ पे एक छोटा सा एक डेटा लेते हैं। देखिए, एक्सेल में क्या होता है कि जब भी हम दो चीज कैलकुलेट करते हैं तो दो चीजों से होती है। एक इनविल, जैसे मान लीजिए इसको सम करना है तो हमारे पास सम का फॉर्मूला है और सम के फॉर्मूले से इसको हम सम कर लेते हैं। हमने 20 + 30 कर दिया तो यहाँ पे आपका सम 50 आ गया। हाँ जी। इसी में अगर मान लीजिए मैं इसको करूँ कि 20 + 30, रिजल्ट आ गया 50, 50 आ गया। यस सर, तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए, हमने यहाँ पे इनबिल्ड फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाया। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड एंड पावर। ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ओके सर। समझ गए? अब ये मैथमेटिकल ऑपरेटर को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमारे पर मान लीजिए कि क्वार्टर वन का सेल है और यहाँ हमारे पास क्वार्टर टू का सेल है। क्वार्टर वन में 50 है, क्वार्टर टू में 60 है, मुझे इसका ग्रोथ निकालना है। ठीक ओके सर, है, क्या करना है? ग्रोथ निकालना है, राइट? हाँ जी। तो ग्रोथ निकालने के लिए आपका क्या होगा कि फॉर्मूला ग्रोथ का हो सकता हो, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। यहाँ पे हम करेंगे लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, लेटेस्ट माइनस ओके ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। ठीक है, ओके सर, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर है। अब इसका इस्तेमाल हमें करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में देंगे यहाँ लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट। ये सर विदाउट ब्रैकेट नहीं हो जाएगा? नहीं, बोर्ड मास मेथड को फॉलो नहीं करेगा ना, क्योंकि तो माइनस ओके सर, डिवाइड पहले होता है, माइनस बाद में होता है ना, हाँ, ठीक है सर। इसलिए। ठीक है, ओके सर, क्लियर यस सर। तो इस तरह से कर सकते। अब इसमें मान लीजिए कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होगा तो कैसे होगा? जैसे मैं यहाँ पे कुछ और करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो गया, रेट है, टाइम। तो प्रिंसिपल मान लीजिए 50,000 है, रेट आपका मान लीजिए 5% है और टाइम मान लीजिए कि आपका 3 साल है। मुझे इसका अमाउंट निकालना है। अब इसका हो सकता, इसमें ऑलरेडी फॉर्मूला PFV का है, फ्यूचर वैल्यू का लगा सकते हैं। और जो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है ना, वो हम नहीं यूज करना चाहते। फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला है हम यूज नहीं करना चाहते, हम मैथमेटिकल फॉर्मूला को यूज करना चाहते, राइट सर? यस सर, इसमें PMT का फॉर्मूला भी लग जाएगा ना सर? हाँ, लग जाएगा। PMT का फॉर्मूला, PMT का EMI निकालता है ना सर, हाँ, PMT EMI निकलता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता कहता है कि P मल्टीप्लाई बाय
वन प्लस आर डिवाइड बाई एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई एन, ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे अब जो इधर लंबा, अब ये लंबा सा बड़ा फॉर्मूला लग रहा है ना सर? हाँ जी। बड़ा फॉर्मूला होने के कारण ये एक बार में लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ ये तो है। तो इसको हम तोड़ के लगाएंगे। क्या करेंगे इसको? डिवाइड करके लगाएंगे थोड़ा थोड़ा। हाँ तोड़ के लगाएंगे। तो कैसे तोड़ेंगे? तो जैसे बीच वाला है, अब यहाँ पे लिखते इक्वल वन प्लस आर क्या है 5% एन मतलब 12। तो जानते हैं कि बोर्ड मास मेथड है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख के चलते हैं। ठीक है? यस सर। एंटरप्राइज कीजिए, आ गया। अब मैं टाइम को 12 से मल्टीप्लाई करता हूं, फिर इन दोनों का पावर लगाता हूं, ऐसे वन बाय वन कैलकुलेशन। पावर गलत हो गया, इसको सिलेक्ट करता हूं, आ गया। देन इसको फाइनली हम पी से मल्टीप्लाई करते हैं। रिजल्ट आ गया आपका? हाँ। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि हमने इसकी कैलकुलेशन के लिए तो इतने सारे फॉर्मूले इस्तेमाल किए, राइट? हाँ। लेकिन सारा फॉर्म यहां पे इसको सबको तो मुझे एक सेल पे लाना था ना? हाँ यही है सर, एक सेल में आ जाता तो ज्यादा अच्छा लगता है। चार चार सेल कवर कर रहा है, ठीक है? यस सर। इसको हम क्या करेंगे, मर्ज करें, फॉर्मूला मर्जिंग मेथड का इस्तेमाल करके इसको मर्ज करें। तो मर्ज करने के लिए देखिए, जैसे कि ए जो है लिंक इससे है C15 by D50, तो C15 पे डबल क्लिक करेंगे, C15 के डेटा को कॉपी करेंगे और यहाँ जहां C15 है वहां पे हम ब्रैकेट में पेस्ट कर देंगे। हो गया? फिर यहाँ भी क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ हमने D15 को ब्रैकेट में डाला और पेस्ट कर दिया। मतलब इन दोनों को डिलीट किया जा सकता है। हाँ। फिर इसको वापस हमने कॉपी किया और यहाँ जहाँ E15 था उसके जगह पे, लेकिन ब्रैकेट यूज जरूर कीजिएगा। ओके सर। और फिर इसको कट करके मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। रिजल्ट आ गए? हाँ सर। एक लंबी कैलकुलेशन को हमने बड़ी आसानी से इसको कर दिया। ठीक है? हाँ जी। डाउट इसमें? अभी तो सर समझ में आया नहीं, बाकी देखना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, इसकी प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। हाँ ऐसा ही लग रहा है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको बैठ के, जब थोड़ा क्लियर हो पाएगा, क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसी कैलकुलेशन। समझे सर? अब इसमें एक और कैलकुलेशन समझाता हूं मैं। ओके सर। मान लीजिए मुझे यहां पे एमआरपी है,
एमआरपी निकाल लिए, किसी किसी भी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट मान लीजिए यहाँ पे 50 है, कॉस्ट कितना है, कॉस्ट 50 राइट, और मुझे यहाँ एमआरपी निकालनी, एमआरपी, तो एमआरपी कैसे निकलेगा, तो एमआरपी पे एमआरपी का कोई ऐसी नहीं है कि फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसको मैनुअली जब करते हैं इस तरह से करते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है 5% का कमीशन रखता है और रिटेलर को दे देता है, रिटेलर क्या करता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है, मतलब कि 2.5 रुपए जोड़ के डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है अपने खरीद का 10% निकालता है और एड करता है होलसेलर को देता है, होलसेलर क्या करता है अपने खरीद का 15% ऐड करता है और किसको देता है, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर को, अपने खरीद पे ऐड करता है और 20% ऐड करके किसको देता है, कस्टमर को, कस्टमर। तो एमआरपी फाइनली ये हुई। हाँ अब मुझे ये ही सेम फॉर्मूला यहाँ डालना है, लेकिन ये सब इतना यूज नहीं करना, अब मर्ज करेंगे। एक किससे कनेक्टेड है, B17 जो कि रहना चाहिए, C19 के अंदर फॉर्मूला है, मैंने इसकी फॉर्मूले को कॉपी किया, बट इक्वल कॉपी मत कीजिएगा, ठीक है, ठीक है सर। और यहाँ जहाँ C19 है उसके जगह पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ओके सर, विद ब्रैकेट, फिर जो कॉपी किया और यहाँ जहाँ C22 है उसके जगह पे C22 का फॉर्मूला डाल दिया, और यहाँ भी C22 है तो यहाँ भी C22 का फॉर्मूला डाल दिया, इसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट करने से दिक्कत होगी तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, ओके सर। इसको कॉपी करते और यहाँ D19 की जगह पे D19 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, डिलीट कर सकते हैं इसको, हाँ। अब इसको कॉपी करते और यहाँ पे D20 की जगह पे D20 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, और यहाँ भी D20 है इसके जगह पे इसका फॉर्मूला पेस्ट कर देते, ओके सर। फिर वापस इसको सेलेक्ट किए यहाँ से और यहाँ पे आते हैं जहाँ पे E19 है उसके जगह पे E19 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिए, हाँ। और वापस इसको सेलेक्ट करते हैं और जहाँ E20 है वहां पे E20 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, यहाँ भी E20 है इसके जगह पे फॉर्मूला पेस्ट कर देता, अब देख रहे हैं फॉर्मूला धीरे धीरे कितना बढ़ रहा है, हाँ। और फिर वापस इस सारा को कॉपी करते इक्वल के बाद, इक्वल से मत कीजिएगा, ठीक है, ठीक है सर। और यहाँ F19 के जगह पे इसका फॉर्मूला पेस्ट कर, ओके सर। अब इसको कॉपी करके नहीं ले जाएंगे, कट करके ले, कट करके ले जाएंगे, कॉपी करने से क्या दिक्कत होगी, कॉपी करने से वो एज ए वैल्यू टाइप होगा उसमें, नहीं फॉर्मूला इंक्रीज हो जाएगा सर, ठीक है, ओके सर, समझे, यस सर। अब आप क्या करें कि मैथमेटिक का बुक उठाए कोई भी या गूगल वहां से पूछे और कम से कम 10 मैथमेटिकल फॉर्मूला को इस पर टिगर करके दे, ओके सर, जब तक 10 मैथमेटिकल फॉर्मूला को टिगर नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है सर, ओके ओके सर, मिलते हैं कल, ओके सर, ठीक है, वो पेमेंट कर रहे थे कर दीजिएगा।